सोलन में कोरोना के चलते वर्षों से चली आ रही रावण दहन की परंपरा को निभाया नहीं जा सका। यही कारण रहा कि सोलन का ठोडो मैदान इस बार सूना नजर आया, जो बाजार, ग्राहकों और मेला देखने के लिए आए लोगों से भरे रहते थे, वहां चंद लोग ही नजर आए। सड़कों किनारे छोटी छोटी खिलौनों और मिठाइयों की दुकानें सजा करती थी, वे भी नहीं लगी। दशहरा न होने की वजह से जहां एक ओर इसका असर वर्षों पुरानी परंपराओं पर पड़ा, वहीं इसका असर व्यवसाय पर भी देखा गया। लेकिन सोलन की जागरूक जनता ने अपनी परंपराओं को टूटने नहीं दिया और सूक्ष्म रूप में ही सही रावण का दहन जरूर किया। अधिक जानकारी देते हुए सानिया ने बताया कि दशहरे की परंपरा न टूटे और रावण को दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जा सके, इसके लिए उनके आस पड़ोस के सभी लोगों ने श्रद्धा के साथ दशहरे का त्योहार मनाया। उन्होंने कहा कि बच्चों ने राम लक्ष्मण और सीता का किरदार निभाया और पूजा अर्चना कर रावण का वध भी किया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर जिला प्रशासन द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन भी किया गया। सबसे पहले तो मैं आप सबको सोसाइटी की तरफ से, अपनी सोसाइटी की तरफ से दशहरे की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। और हम, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना टाइम चला हुआ है और इसमें हमारे ये कि सभी बच्चों के सहयोग के साथ, इन बच्चों के कारण ही हमारा ये कि जैसे हम त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं कोरोना टाइम पर, तो मगर ये कि हमारा कि बच्चों ने चाहा है कि इसी रीति रिवाज को, परंपरा को हम कायम रखें और दशहरे को जो है पूरे सकुशल जो है हम सेलिब्रेट कर सकें सभी सोसाइटी के लोगों के साथ। और मगर हमने ये कि एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जो है अपनी जो गैदरिंग है यहाँ पर विद इन सोसाइटी रखा है और लिमिटेड लोगों को ही किया है, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए।